तो यार हेलो दोस्तों, अभी यार देखो आज हमारे गेम के अंदर अनरैंक्ड के अंदर आप लोग अरेना में जाते हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों को एक न्यू टीडीएम मोड देखने को मिलता है जिसका कि नाम है लैडर अरेना। ठीक है, अब ये जो टीडीएम है ना वो सभी टीडीएम से अलग होने वाला है, इसके अंदर कुछ अलग ही सिस्टम है और इससे आप लोग बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार आप लोग वीडियो का पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यार जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मैं आप लोग डायरेक्ट सबसे पहले ले चलता हूँ अनरैंक के अंदर, और यहाँ पे अरेना मोड में आप लोग क्लिक करना तो यहाँ पे लैडर अरेना देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो अरेना है ना ये सभी बाकी अरेना से अलग है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट कहा था। अब ऐसा अलग क्यों है वो भी मैं आप लोग समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो अरेना है ये कोई अलग मोड नहीं है, आप लोगों को जो नॉर्मल पुराने कुछ मोड्स है ना उन्हीं का कंबाइन मोड है, और रैंडम आप लोग कुछ भी लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पूरा एक अलग सिस्टम मैंने आप लोगों से कहा था। अब ऐसा मैं क्यों कहा ये आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब देखो अभी तक आप लोग पता था क्लासिक मोड के अंदर हम लोग टीयर बढ़ती थी, लेकिन अब आप लोगों को नया सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब टीडीएम के अंदर भी आपकी टीयर बढ़ेगी, लेकिन आइए क्लासिक मोड की टीयर नहीं होगी बल्कि अलग प्रकार की टीयर होगी जो कि अरेना के अंदर बढ़ने वाली है, और आप लोगों को टीयर के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे जैसे कि हम लोगों को क्लासिक मोड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यार चलो मैं आप लोगों को इसका समझाता हूं। तो देखो सबसे पहले जो इसका पॉइंट है, लैडर अरेना मैच विल बी प्लेड विद अ रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ मैप्स एंड मोड्स विन मैचेस टू गेट्स पॉइंट। ठीक है, आप लोगों को पॉइंट चाहिए तो आप लोग मैच जीतने पड़ेंगे लैडर अरेना मोड के अंदर, और ये रैंडम कॉम्बिनेशन है सारे मोड्स का, जितने भी टीडीएम मोड है। ठीक है, कोई भी लग सकता है अपने आप। उसके बाद सेकंड, यहाँ पे सपोर्टेड मैच, टीम डेड मैच, और यहाँ पे इन लोगों ने सारे जो यहाँ पे टीडीएम है इन लोगों ने बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसको बताने की मुझे जरूरत है नहीं, टीडीएम तो आप लोग जानते हो कौन कौन से हैं। थर्ड पॉइंट, टीयर्स ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड क्राउन एज। ठीक है, तो इसकी टीयर होंगी वो स्टार्ट होंगी ब्रॉन्ज से, सिल्वर गोल्ड डायमंड टीयर और प्लेटिनम क्राउन एज, तो जैसे कि सब में है, बस इसमें क्राउन कलर छोड़ के उसके नीचे सारा है। ठीक है, और एज तक है, तो यहाँ से आप लोग टीयर बढ़ा सकते हो यहाँ तक। उसके बाद चौथा नंबर, टीयर रिवॉर्ड्स, रीच गोल्स एंड डायमंड टीयर टू गेट अचीवमेंट रिवार्ड्स। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे गोल्ड टीयर पहुंचते हो, डायमंड टीयर पहुंचते हो, और जितनी हाई टीयर पहुंचते हो, तो आप लोग को हर टीयर पे कुछ ना कुछ रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं बस आप लोग नॉर्मल फालतू कराया जा रहा है, नहीं, क्लासिक मोड के तरह आप लोग रिवार्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट, फिनिशिंग टीयर्स रिवार्ड्स, प्लेयर्स हु आर रैंक्ड इन द टॉप 1000 विल बी गेट द अरेना मास्टर टाइटल, रिवार्ड्स विल बी इश्यूड 3 hours आफ्टर द रिजल्ट आर टेल। ठीक है, अब देखो पांचवा नंबर है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को एक परमानेंट टाइटल मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब कैसे, आप लोगों को टॉप 1000 में रहना होगा जब इसका इवेंट जो है खत्म होगा, और जब आप लोगों को यहाँ पे इवेंट खत्म होगा तो उसके 3 घंटे बाद हम लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और जो टॉप 1000 में बंदे होंगे उनको यहाँ पे अरेना मास्टर का टाइटल फ्री में और परमानेंट मिल जाएगा। लेकिन आप लोग ये चीज याद रखना, ये तभी तक आप लोगों को मिलने वाला है जब तक इसका जो इवेंट है, जब तक ये चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब अरेना तो ये हमेशा के लिए रहने वाला है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक ये हम लोगों को टाइम देंगे कि इस टाइम तक आप लोगों को 1000 में आना है टॉप में, और अगर आप लोग आ जाते हो तो आप लोगों को अरेना मास्टर का टाइटल बिल्कुल फ्री में और परमानेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब वो जब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि अभी तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1 day 2 hours का टाइम दिखा रहा है, यानी कि अभी हम लोगों को आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों हम लोगों को गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा ये वाला मोड। ठीक है, तब मैं आप लोगों को और प्रॉपर अच्छे से समझा दूंगा कि आप लोग अरेना मास्टर का टाइटल कैसे लेना है। ठीक है, अब खैर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर जो टीयर रिवार्ड्स हैं वो क्या क्या मिलेंगे, तो यार देखो हो सकता है कि देखो जो पहले नीचे टीयर है उसमें स्टार्ट होगा, जैसे कि आप लोग क्लासिक ग्रेड के ऊपर मिल जाए, प्रीमियम ग्रेड के ऊपर मिल जाए, उसके आगे अवतार भी मिलने वाले हैं, और भी काफी सारे रिवार्ड्स हैं। ठीक है, तो वो जब आएगा मोड तो मैं आप लोग और प्रॉपर अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन यार मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो के अंदर काफी कुछ जान गए होंगे लैडर अरेना टीडीएम मोड के बारे में, और अगर आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करें, तो यार आप लोग डेफिनेटली कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आप लोग यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस डेली देखने के लिए, और यार वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे।